हेलो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स करेंगे एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस के थ्रू ही हम लोग इस टॉपिक को भी समझ लेंगे और इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनको भी हम लोग अच्छे से कर लेंगे। तो अगला टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया है, हम सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो जो टॉपिक के उस जिसके क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो एनसीईआरटी का ये 1.4 प्रॉब्लम था बैक एक्सरसाइज का कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। मतलब इसी क्वांटाइज्ड का मतलब समझाना है। चलिए इसका मतलब समझते हैं और फिर इसको चार्ज पर अप्लाई करते हैं। तो पहले मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। तो बच्चों, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन जो स्टेटमेंट है, क्वांटाइजेशन जो वर्ड है, इसका मतलब क्या है वास्तव में? तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ही क्वांटाइज्ड होता है। फिजिक्स की कोई और क्वांटिटी भी क्वांटाइजेशन को फॉलो कर सकती है। तो क्वांटाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है, मतलब किसी कोई भी क्वांटिटी के लिए अगर मैं बोलना चाहूँ कि वो क्वांटाइजेशन को फॉलो कर रही है, तो मैं बोलूँगा अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी इज सेट टू बी क्वांटाइज्ड, इज सेट टू बी क्वांटाइज्ड इफ इट्स ऑल पॉसिबल वैल्यूज, इफ इट्स ऑल पॉसिबल वैल्यूज इन नेचर आर इंटीजर मल्टीपल, आर इंटीजर मल्टीपल ऑफ इट्स लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू, लोवेस्ट पॉसिबल, लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू। और लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू को हम बोलते हैं इसका एलिमेंट्री वैल्यू, एलिमेंट्री वैल्यू। तो अगर कोई भी क्वांटिटी, फिजिक्स की कोई भी क्वांटिटी, उसके नेचर के अंदर जितने भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, नेचर के अंदर जो भी उसके वैल्यूज पॉसिबल हो सकते हैं, अगर वो उसके सबसे छोटा वाला जो वैल्यू है, एलिमेंट्री वैल्यू, उसके इंटीजर मल्टीपल हो, तो हम बोलते हैं वो क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है। जैसे मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर मैं एक एग्जाम्पल ले यहाँ पे, तो जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको बात समझाता हूँ। तो स्टूडेंट, हम लोग जैसे समझ सकते हैं कि जैसे मनी की हम बात करें कि जैसे इधर मैं लिख रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। अब मनी कोई फिजिकल क्वांटिटी तो है नहीं, बट ये तो समझाने के लिए ले रहा हूँ मैं, और यहाँ लिख रहा हूँ उसके पॉसिबल वैल्यूज़, पॉसिबल वैल्यूज़। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फिजिकल क्वांटिटी, जैसे फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी यहाँ पे, अभी मैं इसको समझाने के लिए जो चीज़ ले रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में, वो मैं जैसे मनी को ले रहा हूँ। अब मनी को मैंने एक क्वांटिटी की तरह लिया है, अब उसके पॉसिबल वैल्यूज़ की बात करें तो मैं वो वाले वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ जो फिजिकल फॉर्म में हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं लोगों के साथ, नॉट अ डिजिटल मनी। मैं कोई डिजिटल मनी की तो बात कर नहीं रहा हूँ, तो बेसिकली मैं वो वाले मनी की बात कर रहा हूँ जो हम एक्सचेंज करते हैं फिजिकल फॉर्म में। तो मैं आपसे पूछूँ कि जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू आएगा, सबसे छोटा पैसा अगर आपको किसी को देने पड़े तो आप कितना दोगे? तो आप बोलोगे 1 रुपीज़। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि इसके जस्ट बाद आपको फिजिकल फॉर्म में मनी देना है किसी को, तो इससे जस्ट बड़ा पैसा आप कितना दोगे? तो आप बोलोगे 2 रुपीज़।
फिर मैं बोलता हूँ इससे बड़ा जस्ट आपको किसी को देना है, डोनेट करना है, ऐसे समझो कि मेरे को डोनेट कर रहे हो, तो इससे जस्ट बड़ा कितना दोगे? तो आप बोलोगे कि सर 2 रुपये और 1 रुपये मिला के एक साथ 3 रुपये दे देंगे, एक 2 रुपये का सिक्का, एक 1 रुपये का, ऐसे दो दो के 2 सिक्के दे देंगे तो 4 रुपये दे देंगे और हम आपको 5 रुपये भी दे सकते हैं। अच्छा जी, तो अगर मनी को एक क्वांटिटी मान लिया जाए तो मनी के दुनिया में जो वैल्यू है वो सबसे छोटा वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो ये तो होता है एलिमेंट्री वैल्यू, सबसे लोवेस्ट वैल्यू। अब बाकी वैल्यू जो है वो इसके इंटीजर मल्टीपल होने चाहिए, मतलब इसके डबल ट्रिपल, नॉट इन फॉर्म ऑफ डेसिमल एंड फ्रैक्शंस। जैसे अगला जो मनी है 2 रुपीज़, वो इसका 2 टाइम्स है, 3 रुपीज़ इसका कम्प्लीटली 3 टाइम्स है, 4 रुपीज़ इसका कम्प्लीटली 4 टाइम्स है। आज के टाइम पे आप फिजिकल मनी में मेरे को 1.5 रुपीज़ तो दे नहीं सकते। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि मनी जो फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है वो आप हमेशा लोवेस्ट वैल्यू के इंटीजर में ही आप एक्सचेंज कर पाएंगे। तो अगर किसी भी क्वांटिटी के सारे वैल्यू, ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ये जितने भी पॉसिबल वैल्यूज है क्वांटिटी के, तो ये जैसे मनी के ये वैल्यूज़ पॉसिबल वैल्यूज़ है, ऐसे करते करते आप 100 रुपीज़ तक जा सकते हैं, 1000 रुपीज़ तक जा सकते हैं। तो जितने भी नेचर में इसके पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो अगर सबसे छोटे वाला जो वैल्यू है उसके इंटीजर मल्टीपल हो, डबल ट्रिपल थ्री 4 टाइम्स 5 टाइम्स, नॉट इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल, तो हम बोलते हैं कि वो चीज़, वो क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है। तो मनी के सारे वैल्यू इसके सबसे छोटे वैल्यू के इंटीजर मल्टीपल आ रहे हैं तो मनी क्वांटाइज्ड हो गया, फिजिकल मनी। सबसे छोटा वाला वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री वैल्यू और क्वांटा। तो सेम यही चीज़ चार्ज के साथ होती है। क्या बात होती है चार्ज के साथ? तो चलिए देखते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो अगर हम चार्ज की बात करें, अगर हम चार्ज की बात करें तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर दूँ क्योंकि मेन फोकस हमें चार्ज के ऊपर करना है, तो मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। सो हमारा जो मेन फोकस है यहाँ पे वो चार्ज के ऊपर रहेगा। तो बेसिकली जो चार्ज है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसको तो साइड में करते हैं, बात हमें समझ में आ गई कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। चलिए अब इसको इधर अप्लाई करते हैं। तो नेचर में अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे छोटे पार्टिकल कौन है, तो एटॉमिक लेवल पे आप चाहेंगे तो आप बोलेंगे सर दो चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे चार्ज ऑन प्रोटॉन अगर हम बात करें, चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो ये होता है +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। नाउ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करें, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज दो टाइप का होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव में होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अच्छा, ये चार्ज इससे छोटा वैल्यू चार्ज का होता नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे हमें नेचर को बता रहा है। अगर हम सिर्फ वैल्यू की बात करें बच्चों, तो जो चार्ज का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये चार्ज का सबसे छोटा वाला वैल्यू, इसको ई से भी लिखते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री वैल्यू, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री वैल्यू। और इसका एक और नाम होता है क्वांटा। क्वांटा किसका? क्वांटा तो जो क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी कौन है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये इसका सबसे छोटा वैल्यू है, तो क्वांटा ऑफ चार्ज हो गया ही। अब चार्ज क्वांटाइज्ड है तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज के बाकी जितने भी दुनिया में वैल्यू हमें मिलने वाले हैं वो इस सबसे छोटे वैल्यू के इंटीजर मल्टीपल मिलेंगे। जैसे आप सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है ए और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। नाउ ये इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहे हैं, ए से इलेक्ट्रॉन निकल के बी वाली बॉडी में जा रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ए से निकल के बी में चला जाता है तो ए पे जो चार्ज डेवलप होगा वो होगा +e, क्योंकि एक प्रोटॉन
एक्सेस में बन जाएगा। अभी इनमें इक्वल प्रोटॉन इक्वल इलेक्ट्रॉन है, बट एक इलेक्ट्रॉन निकला और एक प्रोटॉन एक्सेस में हो जाएगा। अच्छा, बी ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो बी के पास एक इलेक्ट्रॉन अब एक्सेस में आ जाएगा, तो इसके ऊपर आएगा माइनस ई। अगर ए से दो इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं दो, तो इस पे आएगा प्लस टू ई, इस पे आएगा माइनस टू ई। तीन इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे तो इस पे प्लस थ्री आएगा, और ये रिसीव कर रहा तो इस पे माइनस थ्री, क्योंकि इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे। तो अगर एन इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे, यहाँ से एन इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं तो इस पे आएगा प्लस एन ई और इस पे आएगा माइनस एन ई। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि चार्ज का जो भी वैल्यू होगा, चाहे वो ए के ऊपर चाहे बी के ऊपर, चार्ज का जो भी वैल्यू आएगा ए या बी के ऊपर, वो चार्ज का वैल्यू जो आएगा वो आएगा प्लस माइनस एन। यहाँ पे एन क्या होगा, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया, कोई भी चार्ज नहीं गया, तो एन ज़ीरो हो गया या फिर वन होगा या टू होगा, मतलब ये होल डिजिट्स होंगे, डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं होगा। मतलब चार्ज या तो वन ई होगा या टू ई होगा या थ्री, 1.5 ई ये पॉसिबल नहीं है, रूट टू ई ये पॉसिबल नहीं है। तो ये चार्ज में भी ऐसा ही होगा कि इलेक्ट्रॉन कोई टुकड़ों में पार्ट्स में तो जाएगा नहीं, तो ये वाला चार्ज किसी बॉडी पे आएगा। प्लस माइनस इसलिए लिख रहे हैं हम लोग कि अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो वी विल यूज़ प्लस एनी फॉर्मूला, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो वी विल यूज़ माइनस एनी फॉर्मूला। अब जो हमारा मेनली ये हमने समझ लिया, अब हमें स्टेटमेंट बताना है। अब हमें क्या बताना है, स्टेटमेंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो स्टेटमेंट में हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के रिगार्डिंग। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन और व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन, देन आप लोगों को यहाँ से स्टेटमेंट लिखना है। आप लोग लिखोगे एग्ज़ाम में ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ चार्ज इन नेचर आर इंटीजर मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं इसको ई मीन्स एलिमेंट्री वैल्यू। ये हमने स्टेटमेंट लिख दिया, फिर हम लोग लिख देंगे वेयर ई इक्वस टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, ऑल्सो कॉल्ड क्वांटा ऑफ चार्ज, ऑल्सो कॉल्ड क्वांटा ऑफ चार्ज। हम लोग ये लिख देंगे। तो हमने हमसे अगर एग्जाम में पूछता है कि इसका इस मतलब समझाइए, देन वी विल राइट कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ चार्ज विल बी इंटीजर टाइम्स ऑफ दिस क्वांटा। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो एन इंटीजर हो जाएगा, ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू। तो हमने ये आंसर दे दिया। तो एग्ज़ाम में आपको सिर्फ इतना ही लिखने की ज़रूरत है अगर वो आपसे पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये सब ये जो चीज़ है ये आपको समझने के लिए है कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि एक लोवेस्ट वैल्यू के इंटीजर मल्टीपल वैल्यूज ही नेचर में होना। चलिए इसके बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक और लार्ज स्केल चार्जेस। चलिए जी, बिल्कुल सही बात है कि देखो यहाँ पे बी पार्ट का आंसर देते हैं, ये हमने ए पार्ट का आंसर दिया, अब हम बी पार्ट का आंसर दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कि जो हम बात करें, एक होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल जो होता है हमारे पास,
मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब है कि हम लोग लार्ज स्केल लेवल पे बात कर रहे हैं। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल होता है एक हमारे पास, और दूसरा हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल तो मैक्रोस्कोपिक लेवल एंड माइक्रोस्कोपिक लेवल। देखो, माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट एटम एंड मॉलिक्यूल्स, और मैक्रो का लेवल मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स, डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स। तो अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हो, तो आप लोग क्वांटा जो होता है ना, ये चार्ज का सबसे छोटा वाला वैल्यू, इसको इग्नोर कर सकते हो। लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप स्टडी करते हो, तो ये क्वांटा जो सबसे छोटा वैल्यू है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो देखो, इसको पहले मैं आपको एक सिंपल लॉजिक से बात समझाता हूँ। सपोज़ करो कि आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, ये हो गया मैक्रो, और आपके पास 5 रुपये हैं, ये हो गया माइक्रो। अब दो कंडीशन है, एक बच्चे के पास 5 रुपये हैं और एक मैन है उसके पास 1 लाख रुपीज़ है, ये बड़ा आदमी है तो मैक्रो, छोटा बच्चा है 5 रुपये हैं माइक्रो। इसको क्या करना है? समोसा खाना है, समोसा खाना है इसको स्कूल के कैंटीन से, और समोसा एग्जैक्टली 5 रुपये का ही आता है। अच्छा, ये जो बड़ा आदमी है, इसको कोई भी काम करना है, कुछ भी परचेजिंग करनी है, और वो जो परचेजिंग है उसके लिए 1 लाख रुपया लगने वाला है। अब इन दोनों के साथ एक दुर्घटना हो जाती है कि दोनों का ही जेब से 1 रुपया गिर जाता है, 1-1 रुपया दोनों लूज कर देते हैं। तो इस आदमी के पास 99,999 रुपीज़ बच जाएंगे, और इस बच्चे का 1 रुपया जब गिरेगा तो इसके पास 4 रुपये बचेंगे। अब ये बच्चा जो है, इसके लिए ये 1 रुपया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 1 रुपया जो मैंने आपको मनी वाले एग्जाम्पल में समझाया था ना, तो ये 1 रुपया मनी का सबसे छोटा वाला वैल्यू है, एलिमेंट्री वैल्यू है, क्वांटा है। अब इस क्वांटा को इग्नोर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? तो ये बच्चा बिल्कुल भी 1 रुपये को इग्नोर नहीं कर पाएगा बेचारा। क्यों? क्योंकि इसका 5 रुपये में से 1 रुपया चला गया है, तो 4 रुपये रह गए। इसका मतलब इसका जो मनी है, 5 रुपये से जब 4 रुपये हो गया, तो 20% कम हो गया इसका पैसा। इसको समोसा नहीं मिलेगा, तो इसके लिए 1 रुपया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो 1 रुपये को इग्नोर ही नहीं कर पा रहा, मतलब मनी के क्वांटा को, मनी के सबसे छोटे वैल्यू को ये इग्नोर नहीं कर पा रहा, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये आदमी जो है, जब इसका 1 लाख रुपये में से 1 रुपया गिर जाएगा और काउंटिंग करने पे इतना आएगा, और इससे कहेंगे भाई 1 रुपया कम है, तो ये आदमी बढ़िया से अच्छे से हंसेगा, अरे क्या मूर्खता वाली बातें कर रहे हो कि 1 रुपया कम है, 1 रुपया कम है। मतलब इसने इस मनी के सबसे छोटे वैल्यू क्वांटा को इग्नोर मार दिया। इग्नोर क्यों मार दिया? क्योंकि अगर आप, इतना बड़ा पैसा इसके पास है और 1 रुपया इसका कम हो जाता है, तो आप परसेंटेज में कैलकुलेट करो, 1 लाख रुपए का 1% 1,000 होता है। अगर है उसका भी हम 1,000 का भी में भी 100 का डिवाइड कर दें, तो अभी 0.01%, और उससे भी कम, 0.001% के आसपास इसका मनी डाउन हुआ है। तो परसेंटेज में बहुत बड़ा अंतर हुआ है। अच्छा, एक और तरीके से इस बात को मैं आपको समझाता हूँ, तो आप समझ गए होंगे कि ये सबसे छोटे वैल्यू को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इग्नोर नहीं कर सकते आप, लेकिन यहाँ पे आप बड़ा है तो इग्नोर कर सकते हो। मतलब अगर किसी बॉडी के, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर 1 लाख इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा भी हो जाए तो उसके चार्ज पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन किसी बॉडी में 5 ही इलेक्ट्रॉन है और 1 कम हो जाए, तो बहुत अच्छा खासा फर्क पड़ जाएगा। कैसे फर्क पड़ जाएगा वो ज़रा आप समझें। अब फिजिक्स में चलते हैं, बात पैसों से हुई, अब थोड़ा फिजिक्स में चलते हैं। तो देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, बड़ी ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर 1 करोड़ प्रोटॉन है, 1 CR इलेक्ट्रॉन है। अब मैं आपसे बोलूं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा,
तो क्या ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी बहुत ज़्यादा? तो आप कहोगे कोई ज़्यादा पॉजिटिवली चार्जेस नहीं होने वाले, कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो इसका मतलब इसके अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इसके अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के कम ज़्यादा होने से इस बॉडी के टोटल चार्ज पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इधर चलिए हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। अब ये है माइक्रोस्कोपिक लेवल, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। जैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन रह गया, जिसको हम लोग बोलते हैं H+ आयन। अभी ये न्यूट्रल एटम था, अभी ये न्यूट्रल एटम था और अब ये एक आयन है। तो न्यूट्रल एटम और आयन की प्रॉपर्टीज़ में तो बहुत फ़र्क होगा। अगर एटम्स अपना एक भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मीन्स ई अमाउंट का चार्ज, तो वो आयन्स बनते हैं। और आयन्स और न्यूट्रल एटम्स की प्रॉपर्टीज़ तो बहुत ही डिफरेंट हो जाती है। देयरफॉर छोटे लेवल पे हम क्वांटा को इग्नोर नहीं कर सकते। हम सिंपल जनरलाइज स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं? बात तो हमारे समझ में आ गई, पर हम स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं एट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल मीन्स एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, देयर आर ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। सो वी कैन से इंक्रीज स्लैश डिक्रीज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कैन चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एटम मीन्स एट दैट माइक्रोस्कोपिक लेवल। बट एट मैक्रोस्कोपिक लेवल देर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑब्जेक्ट। सो इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट ऑफ वन और टू इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स मैक्रो मैक्रो। सो वी कैन इग्नोर क्वांटा एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। ओके बच्चों, थैंक यू। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो और ऑलवेज़ अपडेट रहो। डेली मैं आपको कुछ ना कुछ नए नए क्वेश्चंस आपको इस पे पोस्ट करता रहूँगा, आपके NCERT के डाउट्स कराते रहेंगे, और फिर हम साथ साथ में हम CBSE प्रीवियस ईयर भी लेते रहेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस इसके रह गए हमारे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये क्वेश्चंस हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज का जो प्रॉपर्टी है Q=ne, उसी पर बेस्ड है। वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर, आज इतना ही करते हैं। और थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।